उनके जिम्मेदार ने कहा अरे ये तो बहुत तुम्हारे गरीबत में मिल गया, बड़ा खूबसूरत बच्चा मिल गया, हम जो सामान मिस्र लेके जा रहे हैं सबसे कीमती सामान यही बच्चा होगा, हम इसको लेकर मिस्र में भेजेंगे। बड़े खुश यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर आए अपने काफिले में लेके गए। अब कुरान दूसरी बात कहता है भाई लोग आए वाली साहब वजाऊ अफाहुम इशाई अबकून, एक दस के दस भाई रात में रोते हुए आए अबू जान के पास, अबू जान के पास रोते हुए आए वजाऊ अफाहुम इशाई अबकून और वो इन्ना जहबना नस्तबिक व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु वमा अंत बिमुमिन लना वलो कुन्ना सादिकीन, अबू जान आप हमारी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, वाकया ये पेश आया है कि हम खेल कूद में मसरूफ थे, रेस लगा रहे थे अब भाई आपस में, और यूसुफ को सामान के पास रख दिए थे, एक भेड़ी आके यूसुफ को लेके चलते हैं, और आप हमारी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन वाकया यही हुआ है। जो फैसला करते थे उनके पास एक औरत आई बहुत रोते हुए आई, जो वहां बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि हजरत इस औरत के बारे में फैसला करते हैं कि रो कर आ रही है, देखें कैसी रो रही है, ये कैसी रो रही है, मजलूमा है, आप जल्दी इसके बारे में फैसला करते हैं। काज़ी सुलेमान ने कहा जब तक मैं दूसरे आदमी की बात न सुन लूं इसके बारे में फैसला नहीं कर सकता, इसलिए कि यूसुफ के भाई भी यूसुफ को कुएं में डाल के रोते हुए आए थे, किसी के रोने से उसकी मजलूमियत का फैसला नहीं हो सकता, कोई अगर आके रो दे जब तक आप दूसरी की बात ना सुने फैसला ना कर दे। यहां तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कोई आदमी आपके पास आए और ये दिखाए कि मेरी एक आंख फलाने निकाल दी है, आप जल्दी से फैसला ना कर दे, हो सकता है इसकी दो आंख निकाल कर आया हो, अल्लाह ने दो कान दिए है दोनों के पास। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहानी बना के लेकर आए कि यूसुफ को भेड़िया ने खा लिया, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ إِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े को खून से रंग के लिए कर रखे, एक जानवर को मार करके उसके खून से रंग करके लिए कर रखे, और कहा अबू जान आपको यकीन नहीं आता, देखो ये यूसुफ का कपड़ा है और ये खून से रंगा हुआ थी। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, वो देखते ही समझ गए इन्होंने कहानी बना के आए हैं और मेरे बेटे को या तो कहीं मार दिए हैं या कहीं पर इसको खत्म कर देगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कितना शरीफ भेड़िया था जो यूसुफ का कपड़ा निकाल करके फिर यूसुफ को खाया, अगर वो भेड़िया खाया होता उसका कपड़ा तो फटा हुआ रहता, कपड़ा कहीं से फटा नहीं और भेड़िया में इतना शरीफ भेड़िया था कि बाकायदा उसने खाने से पहले कपड़े उतारे हैं उसके बाद यूसुफ को खाया। फिर फरमाया फसबरुन जमील वल्लाहु अल्मुस्तआन अला मा तसिफून, अब मेरे पास क्या है, बस मेरे बेटे का सब्र है, वल्लाहु अल्मुस्तआन अला मा तसिफून, बस मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ, अल्लाह मेरी मदद करने वाला है, अल्लाह मुझे भी आपको भी बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए, बाकी बातें इंशाअल्लाह बाद में। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين آمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم آمين
मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला हम सब के खताओं को दरगुजर फरमा, हमारे सयाद को सना से बदल फरमा, या अल्लाह हमारे रोजे को कबूल फरमा, हमारे तरावी को कबूल फरमा, कुरान पाक पढ़ने को कबूल फरमा, जो गलती होता है मौला को अपने फजल से माफ़ फरमा, या अल्लाह हर किस्म के आफात से, फितनों से, मुसीबतों से, नादानी हादसा से, या अल्लाह इस बस्ती की पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, खुसूसन फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह उनकी जान माल ईमान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, या अल्लाह उनकी मदद नुसरत फरमा, या अल्लाह बड़े जुल्म से गुजर रहे हैं, या अल्लाह बच्चे बिलख रहे हैं, या अल्लाह उनका घर बार सब उजाड़ दिया गया है, या अल्लाह खाने के लिए तरस रहे मौला, या अल्लाह इलाज के लिए तरस रहे मौला, या अल्लाह तू अपनी मदद उन पर शामिल हाल फरमा, आमीन, या अल्लाह उनकी मदद नुसरत फरमा, आमीन, या अल्लाह पूरे आलम में मुसलमान परेशान हैं, या अल्लाह रमजान की बरकत से सबकी परेशानी को दूर फरमा, आमीन, या अल्लाह सबकी हाजात